नमस्कार। किसानों के आंदोलन के कारण देश भर की सियासत गर्म है और चाहे क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, पंजाब हरियाणा का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, या अब तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गुजरात तक भी वो लोग जाएंगे, वहां पर अपनी महापंचायतों को करेंगे और किसानों को अपने पक्ष में खड़ा करने का काम करेंगे। इस सबसे देश भर की सियासत मैं हलचल है क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जबरदस्त सियासी दबाव बनाया हुआ है। अगले साल में कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है और उससे पहले बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी किसान आंदोलन का सियासी असर हो सकता है क्योंकि अपोजिशन के दलों ने मोदी सरकार पर प्रेशर बनाया है कि किसान आंदोलन में जो किसान हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है और किसानों ने भी अपना पूरा दमखम दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें दिखाया है। क्या इस किसान आंदोलन का विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर कोई असर होगा, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब राकेश टिकैत भावुक हुए थे उसके बाद जो एक सियासी लहर चली जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने किसान महापंचायतों की बागडोर संभाली, जो किसानों की महापंचायतें हो रही है, इसके अलावा भी राष्ट्रीय लोकदल तमाम जगहों पर छोटी बड़ी बैठकें किसान पंचायतें महापंचायतें कर रहा है, उसी तरह जिस तरह हरियाणा में भी महापंचायतें हो रही है या राजस्थान में अभी राहुल गांधी जब गए तो वहां भी महापंचायतें हुई, अब कांग्रेस भी इसमें कूदी है और कांग्रेस की ओर से कमान संभाली है उत्तर प्रदेश में पार्टी की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी। निश्चित रूप से अगर प्रियंका चेहरा होंगी तो एक सियासी असर इसका जरूर होगा और लंबे वक्त से प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस को कुछ संजीवनी इस किसान आंदोलन से और प्रियंका गांधी के इसको लीड करने से मिल सकती है। कांग्रेस की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में अभियान चल रहा है, जय जवान जय किसान, और इसमें तमाम पार्टी के पुराने नेता, नए नेता, ये सब शामिल हो रहे हैं। पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को बनाने पर भी जुटी हुई है और उसमें सलमान खुर्शीद से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और पश्चिम और उत्तर प्रदेश से आने वाले तमाम बड़े नेता लगातार अपने सुझावों को दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कई कमेटियां भी बनाई हैं, चाहे सोशल मीडिया का मामला हो या कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल का मामला हो या जो कांग्रेस के बाकी NSUA, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इन फ्रंटल संगठनों को चार्ज करने की बात हो, किसान आंदोलन से RLD राष्ट्रीय लोकदल जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां उसे लगता है कि वो इस इलाके में एक बार फिर से जिंदा हो सकती है क्योंकि 2013 के जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बाद RLD का असर यहां कम हुआ था और RLD का यहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो किसानों का आंदोलन है इसके बाद सियासी तस्वीर बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, कांग्रेस में प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पर आकर लीड कर रही हैं, उन्हें राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लेकिन 2019 के चुनाव में प्रदर्शन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में भी बेहद खराब रहा था। राहुल गांधी अपने घर की सीट अमेठी से ही चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी ने लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे जारी रखे और जो CA के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुए थे तो तब भी प्रियंका ने कांग्रेस की अगुवाई की थी। अब किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का माहौल वेस्टर्न यूपी में बनता दिख रहा है उसमें प्रियंका गांधी एक बार फिर फ्रंट फुट पर लीड कर रही हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें, अगर कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज, सियासी बढ़त हासिल करनी है वेस्टर्न यूपी में और इससे भी आगे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित जरूर करेगी क्योंकि प्रियंका की नजर सोशल मीडिया से लेकर जो जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन पर है और वो तमाम जगहों से फीडबैक जुटा रही है। हमने देखा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते कुछ वक्त में, चाहे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार पर
सियासी हमले भी किए और साथ ही अखिलेश यादव और मायावती पर भी हमले बोले थे, उन्हें बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता तक कहा था। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आज वो बिजनौर में जिस तरह पहुंची और उन्होंने बिजनौर में एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस किसानों के साथ लगातार खड़ी रहेगी, इससे मतलब ये निकलता है कि अगर किसान आंदोलन में केंद्र की सरकार जल्दी कोई फैसला नहीं ले पाती तो निश्चित रूप से जिस तरह की खबरें आई हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या हरियाणा का इलाका हो, यहां पर जो बीजेपी की इकाइयां हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनमें ये उनका भी ये मैसेज आलाकमान को है कि वो इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाले। हमने देखा कि चाहे राजस्थान का मामला हो या पंजाब का मामला हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उसके जो अपने लोग थे जिन पर उसका भरोसा था, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल हो या शिरोमणि अकाली दल जैसे पुराने सहयोगी हो, इन्होंने उसका साथ छोड़ा है। ऐसे में हरियाणा में जो जननायक जनता पार्टी है, दुष्यंत चौटाला जिसमें उप मुख्यमंत्री है हरियाणा की सरकार में, उन पर भी सियासी प्रेशर है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ने इन किसान महापंचायतों को करना शुरू किया है, कई जगहों पर प्रशासन की अनुमति के बिना भी बड़ी संख्या में इन महापंचायतों में लोग जुट रहे हैं, उससे यहां की सियासी तस्वीर, पॉलिटिकल पिक्चर बदलती दिख रही है। और अगर ये पॉलिटिकल पिक्चर बदली तो निश्चित रूप से तय मानिए कि इसका असर, अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है तो इसका असर होगा, क्योंकि जिस तरह राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब हम गुजरात की ओर जाएंगे और उन प्रदेशों की ओर दौरा करेंगे जहां पर अभी तक किसान एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी किसानों के समर्थन में पंचायतें, महासभाएं हो चुकी हैं। ऐसे में हालात जो हैं, जो सियासी तस्वीर है, उसका असर जो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है इस पर तो हो ही सकता है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है और अभी आंदोलन देश दुनिया तक लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए, उनके फोन में, उनके ईमेल्स तक पहुंच चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो सियासी तस्वीर होगी उस पर इस किसान आंदोलन का प्रभाव होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो बीजेपी है उसने पूरा दम लगाया हुआ है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसान चौपाल, तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं दिखता कि वेस्टर्न यूपी में कहीं किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है। इसमें लोग अभी जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक सियासी हलचल तो है ही, एक सियासी मैसेज भी है कि बीजेपी इस मसले को, किसान आंदोलन को जल्द से जल्द इससे पार पाले, वरना जो सियासी नुकसान है वो उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 के चुनाव में भी बड़ी सफलता मिली थी, जबकि 19 के इलेक्शन में सपा बसपा आरएलडी मिलकर लड़ रहे थे। ऐसे में अगर 2022 अगर ये आंदोलन लंबा चला तो मुश्किल बीजेपी को निश्चित रूप से होगी, और जो सियासी दबाव है विपक्षी दलों का वो मोदी सरकार पर या योगी आदित्यनाथ सरकार पर बढ़ेगा, क्योंकि तमाम जगहों से किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश में भी इस बात की शिकायत की है कि पुलिस उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए ये आंदोलन, इस आंदोलन की खबरें पहुंचेंगी और लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखना होगा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो लीड कर रही है कांग्रेस की तरफ से, वो उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कांग्रेस घोषित कर दी है तो क्या कांग्रेस को इसका कहीं सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन एक बात तय मानी जानी चाहिए कि अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है, इस साल के अंत तक चलता है, तो इसका 2022 की शुरुआत में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उस पर असर होगा। और प्रियंका अगर कांग्रेस के जो पुराने समीकरण है जिसमें जो कि दलित मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता है या मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन उसे मिलता रहा था, अगर इन समीकरणों को अपने पक्ष में एकजुट कर पाती हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका उत्तर प्रदेश के सारे जिलों का लगभग दौरा करेंगी और वहां से और पुराने सीनियर कांग्रेसियों से मिलकर उन्हें फिर से पार्टी में जोड़ेंगी, पार्टी को मजबूत करने के लिए उनसे कहेंगी, तो इसका भी कोई असर हो सकता है। तो किसान आंदोलन को लेकर वेस्टर्न यूपी में जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगे आकर जमीन संभाली है, मोर्चा संभाला है, उससे क्या कांग्रेस सियासी मैदान मारने में सफल हो पाएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।